कॉन्फिडेंस विद भावना। तो आज की मेरी वीडियो है काफ़ी रिक्वेस्टेड और काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है राखी आउटफिट्स। तो मुझे लगता है कि राखी आउटफिट्स क्रिएट करना तो बहुत आसान है कि मैं अलग अलग अपने आउटफिट्स दिखाऊँ आपको और आपको कुछ आइडिया लगेगा। मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको अपने वार्डरोब स्टेपल्स उठा के जो कि वाइट में मोस्टली मैंने यूज़ करा है, एक चिकनकारी कुर्ता और बाकी सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करा है, पर मैंने कोशिश करी है कि ऑल वाइट आउटफिट ही रखूँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अपने वार्डरोब में से कोई भी वाइट चीज़ उठा के मिक्स एंड मैच करने में आसानी होगी। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ और आप देखते रहो, और लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कमेंट करके बताना अगर आपको कोई और रिक्वेस्ट है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, कोई रिक्वेस्टेड वीडियो, कोई आइडिया, कोई सजेशन। बातें करने से बेटर है कि अब हम वीडियो शुरू करें। तो मेरा पहला आउटफिट है विद अ श्रग। बेसिकली यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ श्रग, जो थोड़ा सा मॉडर्नाइज या वेस्टर्नाइज हो वो भी, या फिर इंडियनाइज। प्लस यू कैन वेयर अ लॉन्ग नेक पीस, दैट विल गिव यू अ मोर लॉन्गर लुक, एंड देन यू कैन पेयर इट अप विद अ प्लाजो एंड जूतीज। ये लोग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा सिंपल करना चाहते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम नहीं लगना चाहते, तो उसको ज्वेलरी से एक्सेसराइज करके थोड़ी अच्छी लुक दे सकते हैं। ये है मेरा नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट आउटफिट ऑफ द राखी आउटफिट्स। ये मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैंने दो चीज़ें कंबाइन करी हैं और दोनों ही मेरी फेवरेट हैं। एक है चिकनकारी कुर्ता और दूसरा है एक वाइट साड़ी। वाइट साड़ी के साथ इतना प्ले अराउंड कर सकते हो आप, प्लस चिकनकारी कुर्ता के साथ तो अब हम प्ले अराउंड कर ही रहे हैं, तो बेसिकली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक आ जाती है विद दिस साड़ी। एंड देन यू कैन ऑलवेज हाइड द प्लीट्स, क्योंकि प्लीट्स ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। और मैंने इसको जंक ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी के साथ पेयर अप करा है, दो अलग नेक पीसेस और एक मेजर ह्यूज इयररिंग्स। कोई भी पुराना लहंगा लेके आप किसी भी कुर्ते के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, प्लस एक हैवी कुंदन इयररिंग्स ले लो और उसको इसके साथ मैच कर दो। ये थोड़ा सा कम्प्लीटली इनफॉर्मल लुक भी नहीं देगा और बहुत फॉर्मल लुक भी नहीं देगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड येट प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। ये वाला लहंगा मैंने एक वीडियो बनाई थी गेट रेडी विद मी टाइप्स और उसमें ये पहना था, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वेरी बेसिक आउटफिट। बेसिकली अपने कोई हैवी सूट को लेके, उसका दुपट्टा लेके इसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, और इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने के लिए क्रॉप्ड स्ट्रेट पैंट्स लेके आप पहन सकते हो विद जूतीज। तो ये बड़ा ही सिंप्लीफाइड, ईजी ब्रीजी टाइप का आउटफिट है। क्योंकि मेरे दुपट्टे पे गोल्डन है इसलिए मैंने इसके साथ कुंदन ज्वेलरी मिक्स एंड मैच करी है और अपने हेयर को टाई कर लिया क्योंकि इसमें कनौती वाले इयररिंग्स हैं। Oh, oh, oh.
नेक्स्ट आउटफिट को मैं एक बहुत ही फॉर्मल लुक देना चाहती थी. मैं चाहती थी कि कुछ लोग हैं जो इंडियनाइज्ड कम्प्लीटली लुक नहीं फॉलो करना चाहते, तो वो एक चिकनकारी कुर्ता के साथ एक फॉर्मल कोट टाइप पहन सकते हैं, जिसके साथ वो क्लासी टाइप की गोल्डन ज्वेलरी पोर्ट कर सकते हैं, जो थोड़ी शीक लगती है, जो अच्छी लगती है, बहुत ही मॉडर्नाइज लगती है. प्लस इसके साथ बूट्स भी पहन सकते हो, थोड़े हाई हील बूट्स टाइप, जो कि बहुत ही मॉडर्नाइज लुक देंगे. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.